अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन 15 की स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन इक्वेटर, के दो सिटीज हैं, एक सिटी का नाम है ए और दूसरी सिटी का नाम है बी, जो कि एक इक्वेटर पे लाई करती हैं। तो अगली स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं इक्वेटर को जरा डिफाइन कर देता हूँ कि इक्वेटर क्या होता है। तो इक्वेटर एक ऐसी हॉरिजॉन्टल और इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ की सतह पे प्रेजेंट होती है, और ये जो लाइन है वो नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वल फासले पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अर्थ की फिगर को कंसिडर कीजिए तो एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन इक्वेटर के लाएगी अगर वो नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वली डिस्टेंस पे हो, यानी कि इस नॉर्थ पोल से यहां से लेके यहां तक का फासला और यहां से लेके यहां तक का फासला बराबर होगा। तो ये जो रेड कलर की लाइन है वो इक्वेटर कहलाएगी, जो कि इक्विडिस्टेंट होगी नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। तो इक्वेटर के अलावा एक और भी अर्थ के ऊपर लाइन होती है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और ये एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इक्विडिस्टेंस होती है फ्रॉम ईस्ट पोल एंड फ्रॉम द वेस्ट पोल, और ये जो लाइन है वो इस अर्थ पे कुछ इस तरह से होगी। तो अगर हम अर्थ की सरफेस पे किसी सिटी को लोकेट करना चाहते हैं या कोई एड्रेस वगैरह लोकेट करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों यानी कि इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का सहारा लेना पड़ता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो सिटीज हैं ए और बी, और वो इक्वेटर पे लाई कर रही हैं, एंड देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। तो इस फिगर में जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो कि डिफरेंट एंगल पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये जो लाइन है ये 15 डिग्री ईस्ट पे है, उससे बाद वाली लाइन 30 डिग्री ईस्ट पे है, उससे बाद वाली 45 डिग्री ईस्ट पे है। जबकि लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो ये जो लाइन है ये 50 डिग्री ईस्ट वेस्ट पे है, ये लाइन 30 डिग्री वेस्ट पे है, और ये लाइन 45 डिग्री वेस्ट पे है। तो वर्टिकली जो लाइंस हैं यहाँ पे लगाई हुई वो लॉन्गिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सिटी ए है वो 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है, यानी कि इधर है इस पॉइंट पे, और जो सिटी बी है वो 25 डिग्री वेस्ट पे है। तो समवेयर हियर 25 डिग्री वेस्ट होगा, तो राइट साइड पे ईस्ट है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होगा। तो वो उसके बाद कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज, तो ये सिटी ए है और ये सिटी बी है, तो आपने इन दोनों का फासला कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर, तो रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर दिया गया, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को जो कि जीरो है इसको अर्थ का सेंटर मान लूं, तो इस सेंटर से लेके अर्थ की आउटर बाउंड्री तक या आउटर पेरिफेरी तक का जो फासला होगा वो रेडियस कहलाता है, और रेडियस जो कि हमें दिया गया है वो है 6400 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए मुझे एक इमेजिनरी सर्कल को कंसीडर करना पड़ेगा, और वो कुछ ये होगा। तो इसका सेंटर ये होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो रेडियस है वो हमें पता है, जबकि दूसरी जानब यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो है 25 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक का भी एंगल दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। उसके बाद ये फासला हमने फाइंड आउट करना, तो आपको यहां से अंदाजा हो रहा होगा कि ये जो फासला है वो इस सर्कल का क्या है, आर्क लेंथ है। तो हमने असल में आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। थीटा हमें गिवन है, थीटा हमारे केस में इन दोनों एंगल्स का सम होगा, यानी कि 25 डिग्री का भी और 45 डिग्री का भी, तो थीटा बन जाएगा 70 डिग्री। आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें पता है जो कि 6400 किलोमीटर है।
तो सिंपली एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। रेडियस मुझे पता है 6400 किलोमीटर है, थीटा मुझे पता है 70 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो थीटा इस्तेमाल होता है वो रेडियन में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए हमें जो यहाँ पे जो डिग्री में थीटा है इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 1 डिग्री है वो बराबर है पाई बाय 180 रेडियन के, तो जो थीटा था जो 70 डिग्री के बराबर है उसको मैं 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री भी लिख सकता हूं। तो चाहे मैं थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री लिखूं या थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 डिग्री की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं जो कि 70 इंटू पाई बाय 180 रेडियन बन जाएगा, तो ये 0 से कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाएगा 7π/18 रेडियन के। इसी थीटा को मैं इस फॉर्मूला में पुट करता हूं और रेडियस की भी वैल्यू पुट करता हूं तो आर्क लेंथ आ जाएगी। जो रेडियस की वैल्यू है वो है 6400 किलोमीटर और जो थीटा की वैल्यू है रेडियन में वो है 7π/18। तो इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो है 7819.075 किलोमीटर। तो इस तरह आप लोग दो शहरों के दरमियान का फासला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 15 को किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो इसको कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों से कीजिए शेयर, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।